वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं इंट्रो में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो फेस पैक है कॉफ़ी के ऊपर रिलेटेड है। एक ऐसा चीज़ है जो कि ईजिली अवेलेबल मिल हो जाता है सबके घर में। फेस पैक बनाने से पहले मैं आप लोगों को कॉफ़ी के बारे में कुछ बेनिफिट्स शेयर करने वाली हूँ। कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब आपको ब्लड को स्टिमुलेट करता है। इसके वजह से आप लोगों का जो स्किन रहता है वो स्मूथ एंड ग्लो एंड रेडिएंट हो जाता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत ही रिच है, सो दैट आपको जितना भी एक्ने मतलब प्रोन स्किन है वो भी मिल जाएगा और आपका जितना भी डेड सेल्स ये सब रहता है और इम्प्योरिटीज़ रहता है वो भी निकल जाएगा, सो दैट आपका फेस में एक ग्लो आ जाएगा, एक क्लियर स्किन आ जाएगा। तो ये जो फेस पैक है आपको वीकली 2 बार करना है और ये मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स तक आपके फेस पे रखना है। और जैसे ही आप लोग उसको धोने के टाइम पे मतलब थोड़ा सा मसाज दे दे के आपके स्किन को धोए। फेस पैक अप्लाई करने से पहले आपका स्किन पूरा क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आप जो भी मेकअप वेयर किए होंगे उसको पूरा निकालना पड़ेगा और पूरा क्लेंस्ड फेस पे ही ये फेस पैक आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉन मेटलिक बॉल लिया हुआ है। पहले इसमें हनी डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसके बाद कॉफ़ी डाल देंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर ली हूँ और इसके बाद ठीक से बंजारास, ये रोज़ वाटर है, ये मैं 5 ड्रॉप डाल रही हूँ, 6 ड्रॉप गिर गया है वैसे। और इसके बाद लेमन 3 ड्रॉप्स ऐसे डाली हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा कंसिस्टेंसी हो गया है, मैं इसको आराम से फेस पे लगा सकती हूँ। अभी अप्लाई करते हैं। मेरा फेस पूरा क्लेंज है, कुछ भी मैं अप्लाई नहीं की हूँ। और आपके पास ब्रश है तो ठीक है, अगर नहीं ब्रश है तो आप नेचुरल ब्रश से यूज़ कर सकते हैं। रेडियंट ग्लो स्किन का राज। तो ये था आज का फेस पैक। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला फेस पैक और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।